लगातार हम आपको बता रहे हैं, विधायक दल के नेता योगी आदित्यनाथ चुन लिए गए हैं। बीजेपी का नेताओं का एक दल जिसमें पर्यवेक्षक उत्तर प्रदेश के रघुबर दास के साथ केशव प्रसाद मौर्य, संजय निषाद, राधा मोहन सिंह, स्वतंत्र देव सिंह, तमाम बड़े नेता राज्यपाल से आनंदीबेन से मुलाकात करने राजभवन पहुंचे। वहां पर सरकार बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया। रघुबर दास ने हमारे सहयोगी अजय दुबे को जानकारी दी कि इस प्रस्ताव को मान लिया गया है, स्वीकार कर लिया गया है राज्यपाल के द्वारा, लेकिन सवाल यही कि विधायक दल का नेता योगी आदित्यनाथ जिनको चुना गया है वो राज्यपाल से अभी मुलाकात करने नहीं पहुंचे हैं, लेकिन खबर जैसा कि रघुवर दास ने कहा कि सरकार बनाने का जो प्रस्ताव दिया गया था उसको राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया है। सुन लेते हैं क्या कुछ कहा। माननीय राज्यपाल जी को माननीय केंद्रीय सह पर्यवेक्षक हमारे हैं, उनके माध्यम से प्रस्ताव दे दिया गया। आएंगे अब आगे, अभी आएंगे घंटे बाद। अभी अभी के इतना केवल जाने कि जो पार्टी का प्रस्ताव है वो माननीय राज्यपाल जी को पार्टी की ओर से सौंप दिया गया। और आज के बैठक में सर्वसम्मत से माननीय योगी जी को विधायक दल का नेता चुना गया, उसी का प्रस्ताव आज महामहिम राज्यपाल को अभी दी गई। साथ ही साथ हमारे दोनों सहयोगी दल का भी माननीय योगी जी के मुख्यमंत्री के प्रस्ताव को महामहिम को सुपुर्द की गई। अब महामहिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रण दे रहे हैं, जिम्मेदारी देगी उसको निभाएंगे। सर चुनाव हार गए उनको भी सरकार में लिया जाएगा, जो चुनाव हार गए वो भी सरकार में रहेंगे सर। मैंने कहा ना एक घंटे बाद मुख्यमंत्री जी आएंगे, उनसे पूछ लीजिएगा। संजय आ जाओ, अब नेता चुन गए हैं, नेता चुन गए हैं, पेश कर दिया गया है सर। आप लोग अभी अंदर गए, विधायक दल का समर्थन पेश किया गया है। जी जी जी, विधायक दल का समर्थन पेश कर दिया गया है। मैडम मोबाइल हटा लीजिए मैडम। सर्वसम्मत से योगी आदित्यनाथ जी नेता चुन गए। ये सर डिप्टी सीएम कौन रहेगा? एक घंटे के बाद मुख्यमंत्री जी आएंगे, एक घंटे के बाद आएंगे मुख्यमंत्री जी। तो उपमुख्यमंत्री कौन होगा इसका जवाब देने से तो सभी बचते हुए नजर आए। मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज झा, विधायकों का आज एक जो बड़े नेता हैं बीजेपी के रघुवर दास जो पर्यवेक्षक है, उनकी अगुवाई में तमाम बड़े नेता स्वतंत्र देव सिंह हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, दिनेश शर्मा हो, राधा मोहन सिंह हो, सभी राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे, लेकिन विधायक दल का नेता जिसे चुना गया है योगी आदित्यनाथ वो नहीं पहुंचे। रघुवर दास कह रहे हैं कि सरकार बनाने का प्रस्ताव राज्यपाल के द्वारा लिया गया है, इसको कैसे समझे? क्या योगी बाद में मिलने जाएंगे या योगी का जाना जरूरी नहीं था? नहीं नहीं नहीं, नहीं। शोभना, योगी आदित्यनाथ जो है कुछ देर बाद जाएंगे राजभवन और सरकार बनाने का औपचारिक तौर पर वो दावा पेश करेंगे। समर्थन की चिट्ठी भी होगी उनके पास, सारे विधायकों के लिस्ट होंगी जो उनको समर्थन कर रहे हैं बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को। अमित शाह को दिल्ली जाना है, उनको सी ऑफ करने के बाद योगी जाएंगे राजभवन, इस बात की जानकारी पार्टी की तरफ से दी गई है। जैसा आपने सुना भी होगा, सुरेश खन्ना जो कि जिन्होंने कि प्रस्ताव पेश किया था विधायक दल की बैठक में, उन्होंने कहा कि थोड़ी देर में योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आएंगे। इस बीच में जो आपको तस्वीरों में दिखे हैं बीजेपी और उसके सहयोगी दल के नेता, वो विधायक दल की बैठक में क्या क्या हुआ उसके बारे में जो लिखी हुई चिट्ठी और जो सिग्नेचर्स थे वो जाकर उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को दे दिया है। योगी आज ही राजभवन जाएंगे और सरकार बनाने का औपचारिक तौर पर दावा पेश करेंगे। शोभना, बिल्कुल ठीक है। अजय दुबे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। अजय दुबे, आपके पास क्या जानकारी? इस समय लखनऊ में जितनी चहल पहल है उतनी देश के किसी हिस्से में नहीं है। कल शपथ ग्रहण समारोह होना है और भव्य तैयारियां की गई हैं और भव्य से भी भव्यतम बनाने की लगातार कोशिश, योगी आदित्यनाथ का इंतजार राजभवन में भी? निश्चित ही इंतजार राजभवन में कुछ देर पहले, जैसा कि हमने तस्वीरों में भी दिखाया कि तमाम जो इस गठबंधन के जिसकी सरकार बनने जा रही है उस पार्टी के गठबंधन के नेता थे पहुंचे, राज्यपाल से मुलाकात की, अपने तरीके से जो दस्तावेज थे वो दिए। आप जिस श्रृंगार की बात कर रही है, देखिए मैं मौजूद हूँ राजभवन के सामने और ये मेरे बाएं से जो रास्ता जा रहा है ये जाता है सीधे एक चौराहे पर और जहाँ से कालिदास मार्ग का रास्ता है, इस रास्ते में अगर आप बढ़ेंगे अभी आपको दिखाई देगा प्रधानमंत्री का एक पोस्टर, ऐसे ही पोस्टर और
बेहद ही खूबसूरत लाइट। आपको दूसरा छोर सड़क का दिखाऊं किस तरीके से सजाया गया है, जिस श्रृंगार की आप शोभना बात कर रही हैं, जिस सजावट की आप बात कर रही हैं, जिस खूबसूरती से कल के जिस तरीके से शपथ ग्रहण है उससे पहले सजाया गया। देखिए सामने हजरतगंज चौराहा आपको दिखाई देगा, लखनऊ का जाना माना चौराहा है, और इस तरीके से यहाँ पर जो आप झालर देख रहे हैं पूरे इस हिस्से में जितना ये मुख्य इलाका है, चाहे वो कालिदास मार्ग के आसपास का हो, हजरतगंज का हो, इस पूरे इलाके को यहाँ पर सजाया गया है। मुख्य बात पर आते हैं कि इंतजार इस बात का है कि क्या मुख्यमंत्री आएंगे। जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी पूरी बात बता रहे हैं कि अगले कुछ मिनटों पर यहाँ पर आएंगे, और जब गाड़ी से निकले भी थे, चाहे रघुवर दास थे उस गाड़ी में, दूसरे लोग जो मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि कुछ देर में मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे, तो उस पूरी प्रक्रिया का इंतजार है। राजभवन में बेहद शांति देखने को मिली है, कुछ देर पहले तक तमाम जो यहाँ के सुरक्षा कर्मी थे बाहर थे। अजय दुबे और मुख्यमंत्री का इंतजार, जैसा कि पंकज झा और अजय दुबे लगातार हमें बता रहे हैं। ABP News आपको रखे आगे।